क्लास होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी थी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। हमने बताया था कि हमारे पास कुछ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और कुछ टोटल आउटकम्स होते हैं। तो अगर हमने कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी तो हमने क्या किया था, सपोज ए एक इवेंट है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया था, एम हमारे पास फेवरेबल आउटकम थे और एन जो है टोटल आउटकम थे, और इनकी रेशियो से हमने क्या करनी थी, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं जो एक साथ जो है अकर ना हो सकें। अगर जैसे कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया, उसके टू पॉसिबल आउटकम है हेड एंड टेल। जाहिर सी बात है दोनों एक साथ में अकर नहीं होंगे, जब हम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम पहला जो लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर बेस करती थी, लेकिन जो हमने उसकी दूसरी डेफिनेशन हमने उसकी जो पढ़ी थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, तो उसमें हमने ये वाली बात ओमिट कर दी थी कि सिर्फ हम उनकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज आई हैव वन सेट, सेट ए है मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4, और एक और सेट बी है वो क्या है 4, 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या, टोटल एस कितनी बनेगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे एन ऑफ एस नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए में कितने हैं हमारे पास 4 और एन ऑफ बी जो है कितने हैं 3। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या था, फेवरेबल आउटकम यानी कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कंप्लीट सैम्पल स्पेस में कितने हैं, तो वो क्या आएगा, ए कितना है हमारे पास 4, एस कितना है 6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो क्या है, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब बी कितने हैं, बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बी में, 3 है, 3 बाय 6। और मैंने आपको क्या कहा था कि हम अगर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया था जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच थी कि उसमें ये है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करें तो उनका यूनियन आता है, और वो ये भी मैंने आपको बताया था कि सम जो है वो 0 से 1 के दरमियान होता है, ना इससे छोटा होगा 0 से ना 1 से ग्रेटर होगा। तो अब हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 4 बाय 6, बी कितनी है 3 बाय 6, तो ये आता है 7 बाय 6। इसका मतलब है कि इससे आंसर सही नहीं आता। अगर हम देखें तो इसमें एक ऐसा अदद है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया, और एन ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास 1। तो अगर हम यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, 1/6। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर हमारे हमें देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई ना कोई इसमें कॉमन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई इंटरसेक्शन इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी -1/6। तो क्या आ जाएगा, ये 6/6, हेंस प्रूव कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि उनमें क्या है, वो कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ कॉमन है, अगर उनमें कुछ कॉमन ना होता तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे अगर उसकी वेन डायग्राम भी बनाएं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 कॉमन है, 5 एंड 6 पूरे सैम्पल स्पेस में, ये 4 जो है दो सेट हैं, इन दोनों सेटों में 4 जो है वो कॉमन है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या फार्मूला है, फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल करते हैं, ए कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम इन अ बुक व्हाइल बी कैन सॉल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम चूजन एट रैंडम। अब क्या उन्होंने कहा, ए कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 80%, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100 या हमेशा 0.8 भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, बी कैन सॉल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, 60%, यानी कि 60/100 और इन द वर्ड 0.6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, सेट्स में तो हम कॉमन लिख लेते हैं, एन से मालूम कर लेते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, इसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे, हमारे पास आएगा 0.8 × 0.6 0.48। Now, with the help of formula, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. कैसे करेंगे, 0.8 plus 0.6 minus 0.48, और हमारे पास आंसर आता है 0.92 या 90% हमारे 92% हमारे पास चांस है कि दोनों जो हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे जो हमने एट अ रैंडम सेलेक्ट किया। ठीक है क्लास, अगेन आई रिवाइज कि ए ने कितना सॉल्व कर सकता है, 80% प्रॉब्लम एक बुक के सॉल्व कर सकता है, बी 60%। हमने प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमने एक क्वेश्चन एट अ रैंडमली सेलेक्ट किया है और वो ए और बी दोनों सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट की 0.8, बी क्या है 0.6, उनका इंटरसेक्शन क्या है 0.48, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। नाउ ए यूनियन बी जो हमारा फार्मूला है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व किया 0.92 आया, इसका मतलब है 92% चांस है कि वो क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर सकते हैं।
एक और देखिए, अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस, यू विन द गेम इफ द आउटकम इज आइदर इवन और डिविजिबल बाय थ्री। अब एक फेयर डाई जो है हमने रोल किया है, डाइस के टोटल सैंपल स्पेस में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स होते हैं टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि एन ऑफ एस जो है इसका क्या हुआ, 6 हो गया। नाउ क्या कह रहे हैं कि यू विन द गेम इफ द आउटकम इज आइदर इवन और डिविजिबल बाय 3। अब एक कंडीशन क्या है, आइदर तो वो क्या है, इवन हो, तो सेट ए में कौन से आएंगे, इवन नंबर 2, 4 एंड 6 ये इवन नंबर है ना, और सेट बी में क्या आएंगे, और एन ऑफ ए हम पहले लिख लेते हैं, बस क्या आता है 3। सेट बी में क्या आएंगे, डिविजिबल बाय 3, तो क्या आ जाएगा, 3 एंड 6 टू ऐसे हमारे पास हैं सेट में जो डिविजिबल बाय 3 हैं, वो कौन कौन से हैं, नंबर 3 एंड नंबर 6। अब आप गौर से देखें तो इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एन ऑफ बी निकाल लिया हमने, 2 आ गया, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया तो वो क्या आया हमारे पास, 6 कॉमन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1। अब सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 3/6 एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यह आ जाएगा मेरा 1/6। नाउ फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम हल करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/6 प्लस 2/6 माइनस 1/6 यह आ जाएगा 4/6। हमारे पास क्या आ गया, 4/6 जो है वो चांस है कि जो हमने कॉइन थ्रो किया है वो या तो इवन है या और डिविजिबल बाय 3 है। ये तो था एडिशन थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम करते हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या फॉर्मूला है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन बी जो है नल सेट है, खाली सेट होता है, तब हम उसको कंसिडर नहीं करते। सपोज ए जो है एक सेट है 1, 2, 3 बी अनदर सेट 4, 5, 6 अब आप ये देखें कोई कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। हम करें एन ऑफ ए कितना होगा, 3। सपोज अगर मैं 4, 5 भी कर लूँ
एन ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा, टू, और एन ऑफ एस हमारे सैम्पल स्पेस में कितने होते हैं, सिक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास, टू बाई सिक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, टू बाई सिक्स. और फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 5/6. सो जब कॉमन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं, सिंपल सी बात है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इनमें कोई भी कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इवेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल करते हैं. A pair of dice is rolled. What is the probability of getting a total of 7 or 11? अब हमने pair of dice को roll किया है. पिछले lecture में मैंने आपको बताया था कि 36 pairs बनते हैं अगर हम एक pair of dice को roll करें, दोनों को मिला के तो 36 बनते हैं. अब हमने क्या करना है, total of 7 और second क्या है, all 11. पहले हमने total of 7 find out करना है. Sample space में कितना होता है, एन एस कितना होता है, 36 पेयर बनते हैं. ए क्या है सेट हमारे पास, टोटल ऑफ 7. अब वो कौन कौन से पेयर हैं जो टोटल ऑफ 7 है, 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 6/1. ये सारे पेयर हैं जो इनका टोटल कितना आता है, 7 आता है. यानी कि एन ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. बी देखिए, टोटल ऑफ 11. अब टोटल 11 क्या बनते हैं, 5, 6 एंड 6, 5. ये दो सेट हैं जो टोटल ऑफ 11 बनते हैं. तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 6/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 2/36. एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. A probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. 6/36 plus 2/36. हमारा आंसर क्या है, 8/36. So the probability of getting a total of 7 or 11 is 8/36. नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. और कुछ आपको असाइनमेंट्स होंगे इनसे रिलेटेड, वो इंशाल्लाह वो किएगा आप. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.